अपने हुनर को एक प्रोडक्ट की बजाय ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश करने की पूनम सोनी की लगन ने उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। तो है ही पेरिस में होने वाले बिजनेस फोरम में भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप को रिप्रेजेंट करने का मौका भी दिया है। गर्मियों की छुट्टियों में द बेस्ट आइडिया टू बीट द हीट इज टू गो हॉलीडेइंग ऑन एन एग्जॉटिक लोकेशन। अपनी इसी सीरीज में हम लेकर आए हैं सिंगापुर एज अ चीप हॉलीडे डेस्टिनेशन। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं कम बजट वाले इंटरनेशनल डेस्टिनेशन तो सिंगापुर एक ऑप्शन हो सकता है। चलिए देखते हैं शॉपर्स पैराडाइज के नाम से मशहूर इस टूरिस्ट स्पॉट में आप खरीदारी के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचरस हैं तो जॉय राइड्स और सेंटोसा आइलैंड पर केबल राइड्स का मजा ले सकते हैं, जबकि नेचर लवर्स को आकर्षित करेंगे यहाँ के जुरोंग बर्ड पार्क और जू। जुरोंग बर्ड पार्क में आप पक्षियों की करीब 600 स्पीशीज को देख सकते हैं और यहाँ का जू मशहूर है एलिफेंट डांस के लिए। हर आदमी बाहर जाना चाह रहा है और क्योंकि ये डेस्टिनेशन इतने सस्ते हो गए हैं तो काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन डेस्टिनेशन पर जाया जाए। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कम से कम 6 महीने 5 महीने पहले आप अपनी बुकिंग कराएं। खाने पीने के लिए यूं तो ऑप्शंस ढेरों हैं, पर सिंगापुर में घर की याद आए तो लिटिल इंडिया स्ट्रीट का रुख भी कर सकते हैं। पूरा सिंगापुर घूमने के लिए आइडियल पैकेज रहेगा 3 नाइट 4 डे का। इसके लिए आपके स्टे का खर्चा 3,500 रुपए से 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक हो सकता है। सिंगापुर में वीजा ऑन अराइवल होता था, अब क्या है कि एक दिन के अंदर आपको वीजा मिल जाता है। अगर आपके पास रिटर्न कंफर्म टिकट है और मल्टीपल एंट्री वीजा भी देते हैं बिजनेसमैन को और तो बड़े आराम से आपको सिंगापुर वीजा मिल सकता है। सिंगापुर का टूरिस्ट वीजा यूं तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन अच्छा होगा कि ये काम आप वेल इन एडवांस कर लें। दिल्ली सिंगापुर रूट पर इंडियन एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशियन एयरलाइंस की डेली फ्लाइट्स चलती हैं। अगर आपका बजट कम है तो इंडियन एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास में बुकिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगी। इसमें प्रति व्यक्ति खर्च होंगे करीब 10,000 रुपए, जिसमें टैक्सेस शामिल नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी छुट्टी को एक लाविश अफेयर बनाना चाहते हैं तो सिंगापुर एयरलाइंस से सफर करने का आपका खर्चा आएगा 21,000 रुपए के करीब। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 6,000 रुपए अतिरिक्त टैक्सेस भी देने होंगे। ये तो हुई बात खर्चे की। अब अगर आप छुट्टी पर जा रहे हैं तो जाहिर है कि सारी परेशानियां घर पर छोड़कर जाना पसंद करेंगे, तो आपकी ट्रिप रहे प्लेजेंट इसके लिए कुछ बातों का ख्याल जरूर रखिएगा।